वर्तमान समय में भारतीय समाज में कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती जा रही है कि उनको परहेज पथ्य पसंद नहीं है, और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं इसीलिए आयुर्वेद दवाई लेती नहीं हूँ या लेता नहीं हूँ कि उसमें परहेज बहुत बताए जाते हैं। तो मैं परहेज के प्रति आपका जो रुझान है उसको आज सकारात्मक करने के लिए आई हूँ। परहेज माने आपका रोग होने के लिए कारणभूत द्रव्य होते हैं, और उसके लिए अगर हम उनसे बचते हैं तो हम रिकरेंस ऑफ द डिसीज मानी बार बार उस व्याधि से ग्रसित हो जाने से बच सकते हैं। जैसे आयुर्वेद कहता है कि रात को दही नहीं खाना, न नक्तम दधि भुंजित। तो हम रात को दही नहीं खाते हैं तो शरीर में होने वाले विपरीत बदलाव से हम बच जाते हैं, और हमें उस बात का परहेज रखना चाहिए कि न नक्तम दधि भुंजित, हम रात को दही नहीं खाते हैं। और हमारे बहुत घरों में बहुत सारे बुजुर्ग इस बात को कहते हुए आप सुन भी सकते हैं कि बेटा रात को दही यानी दोपहर के बाद शाम से दही नहीं खानी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का परहेज है और उसको हमें सकारात्मकता से पालन करना चाहिए।